जिन के गुणों के गान वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ज्ञान अधिकार निकालो, गाथा 21 से गाथा 52 तक चले गए। पहली ही पंक्ति में ये लिखा है, अथ ज्ञान स्वरूप प्रपंचम सौख्य स्वरूप प्रपंचम च क्रम प्रवृत्त प्रबंध द्वयेन अभिवदाति। ये जो पंक्ति है ये ज्ञानाधिकार के ऊपर की है, क्योंकि इसमें तो ये कह रहे हैं कि अब विस्तार से ज्ञान का स्वरूप और सुख का स्वरूप बताते हैं। जब दोनों का नाम ले दिया ना, तो फिर वो मतलब अकेले ज्ञानाधिकार की पंक्ति नहीं रही। अब ऐसा कोई लिखने की परंपरा नहीं है, लिखा नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ लिखा है। और प्रपंच माने विस्तार होता है, इन हमारे शब्दों का जो वो हो गया है ना, ये हो जाता है अर्थ गौरव बढ़ जाता है, अर्थ की हीनता आ जाती है काल से, उनका जो सारा शब्दों का मूल अर्थ है वो गायब हो जाता है। और भाषा विज्ञान में इस बात को बहुत विस्तार से बताया गया है कि जैसे एक देश का दूसरे देश से प्रेम संबंध है तो अलग तरह की भाषा विकसित होती है, और एक दूसरे के पड़ोसी देश से संबंध बहुत खराब हैं तो अलग तरह की भाषा का विकास होता है। जैसे यहाँ पाकिस्तान से संबंध, जब से आज पाकिस्तान बना है तब से ही भारत के अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो हम पाकिस्तान कहते ही पाकिस्तान शब्द का अर्थ तो पवित्र स्थान होता है, लेकिन हम उसको वहाँ अपवित्र स्थान जैसा मानते हैं। और यहाँ तक कि हमने अपने यहाँ के घर में सबसे अपवित्र स्थान होता है ना लेटरिन का, उसको पाकिस्तान कहते हैं। कहाँ जा रहे हैं कि पाकिस्तान जा रहे हैं। ये वो पाकिस्तान के प्रति जो हमारे हृदय में देश है उसने ये भाषा का परिवर्तन किया। पहले उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में भी आपस में बहुत देश था, और वो होना स्वाभाविक था, क्योंकि ये जितने लोग आए हैं ना आक्रमण करने वाले अपने को आर्य कहते हैं। पहले यहाँ के लोग थे वो द्रविड़ थे, और वो आर्य आए, दिल्ली पे कब्जा किया, आगरा पे किया, ऐसे करते करते पूरे उत्तर भारत पे कब्जा कर लिया, और उन द्रविड़ लोगों को दक्षिण की तरफ ढकेल दिया। वे बेचारे यहाँ से वहाँ समेट के चले गए। इस तरह उत्तर भारत आप अपना आता अपने उसमें निर्माण कांड में द्रविड़ राजान है ना, कि द्रविड़ राजा मोक्ष गए है ना, निर्माण कांड में आता है, दिवाली के दिन अपन पढ़ते हैं ना, पांडव तीन द्रविड़ राजान, ऐसा कुछ आता कि नहीं आता। तो वहां के प्रति जो देश था उनके प्रति जो हीन भावना थी, अब वहां पिल्लई थानू पिल्लई ऐसे नाम होते हैं, पिल्लई शब्द का अर्थ होता है वहां सुपुत्र है ना, राजकुमार राजा का बेटा, कुमार ये कहते हैं ना, पिल्लई माने होता है सुपुत्र। तो हमने यहाँ कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहना शुरू किया, वो उनके प्रति हमारे हृदय में जो देश था उसकी वजह से है। कोई कुत्ते के बच्चे को पिल्ला क्यों, और चीजों को क्यों नहीं, ऐसे बहुत भाषा विज्ञान में शब्द बताए हैं कि क्यों, कौन देश से उत्पन्न हुए, कौन राग से उत्पन्न हुए, और किस किस तरह से वो शब्दों का निर्माण होता है। तो ये प्रपंच शब्द भी ऐसे ही इसमें पड़ गया है। अंग्रेजी में एक शब्द है प्रोपेगंडा, जिसका विशुद्ध अर्थ होता है धर्म प्रचार। जैसे अपन कहते हैं अपन को क्या करना है,
आत्मज्ञान और तत्व प्रचार हमारे दो उद्देश्य हैं। तो तत्व प्रचार करना, इसके लिए शिविर लगाना, पाठशालाएं खोलना, ये सब अपन काम करते हैं। तो इसको उनके यहाँ इसको बोलेंगे तो प्रोपेगंडा बोलेंगे, हमको ईसाई धर्म का प्रोपेगंडा करना। तो हिंदुस्तान वाले प्रोपेगंडा का अर्थ है दुष्प्रचार करने लग गए कि वे तो बहुत प्रोपेगंडा करता है, वो बेकार आदमी है। फिर मतलब प्रोपेगंडा बिल्कुल पवित्र शब्द था जो दुष्प्रचार के अर्थ में हो गया। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जो एक पर एक दूसरे के प्रति द्वेष के कारण जिनका अर्थ लाघव हो गया है, अर्थ विपर्य हो गया है, हो जाता है। तो ये शब्द भी दो ऐसे हैं। प्रपंच, प्रपंच का अर्थ वास्तव में तो प्रोपेगंडा होता है, मतलब डिटेल में जाना, किसी चीज की डिटेल में जाना, किसी चीज को बहुत विस्तार से कहना, उसका नाम है। तो जैसे भी यहाँ किया हमने कि ज्ञान प्रपंच, तो नाम ही रखा, अधिकार का नाम है ज्ञान प्रपंचाधिकार, और सुख प्रपंचाधिकार। तो ये वो विस्तार से कथन करने के अर्थ में है, मतलब और कोई इसका अर्थ नहीं। लेकिन इन्हें अमृतचंद्र ने एक आध जगह प्रयोग किया है, अलम इति प्रपंचे ने, बहुत हो गया, अधिक विस्तार से क्या फायदा, वो तो ये कह रहे। और अपन कहते अब ज्यादा बकने से क्या फायदा, ऐसा भी एक आध जगह आया, मतलब वो अच्छे अर्थ में नहीं आया है कि हम कितना कहें समझाएं। जिसकी समझ में आना होगा इतने से ही आ जाएगा, और जिसकी में नहीं आना होगा इतने के बाद भी समझ में नहीं आएगा। तो वो वहाँ पर अर्थ कुछ अलग झलकता है। यहाँ तो बिल्कुल ज्ञानाधिकार लिखा ना, और ज्ञान प्रपंचाधिकार है, और एक सुख प्रपंचाधिकार। अब दूसरी पंक्ति ये है, ऊपर तो देखा कि ज्ञान प्रपंच और सुख प्रपंच को कर्म से दोनों को प्रबंध है, दोनों का प्रबंध माने प्रबंध माने अच्छी तरह सुगठित करना किसी चीज को। ज्ञान का प्रबंध किया, फिर ने सुख का प्रबंध किया, निबंध होता है ना, निबंध, और प्रबंध भी होता है ना साहित्य में, शोध प्रबंध, ये जो शोध ग्रंथ होते हैं ना इनको शोध प्रबंध बोलते हैं, माने विशेष प्रकार से वो सुगठित होता है उसे प्रबंध बोलते हैं। अब कहते हैं अत्र केवलिना नो अतीन्द्रिय ज्ञान परिणत्वात् सर्व प्रत्यक्षम भवति इति विभावयति, कि केवली भगवान के इंद्रिय प्रत्यक्ष में, केवली भगवान के अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान में सारे पदार्थ प्रत्यक्ष प्रतिभावित तो होते हैं, ये बात कहते हैं। ये ज्ञानाधिकार का हेडिंग हुआ, उसमें तो ये कहा था अब दोनों को क्रमशः कहते हैं। अब समझ लो कि हमने ज्ञानाधिकार लिख दिया, क्योंकि अब ज्ञानाधिकार को कहते हैं अकेले, और अगर अब भगवान अतीन्द्रिय ज्ञान से परिणमित होते हैं उनके किंचित भी परोक्ष नहीं है। ऊपर की पंक्ति में कहा था कि उनके सब कुछ प्रत्यक्ष है, और नीचे की पंक्ति में कहा कि किंचित भी प्रत्यक्ष किंचित भी प्रत्यक्ष है, सब कुछ परोक्ष है नीचे की पंक्ति में, और किंचित भी प्रत्यक्ष नहीं है ये ऊपर की पंक्ति में कहा था। तो गद्य में तीनों बातें कह दी तीन पंक्तियों में, अभी दो गाथाएं हैं, और इनमें भी बस दो ही बात कही है कि भी सब कुछ प्रत्यक्ष है और उनके कुछ भी परोक्ष नहीं है, इतना ही अर्थ है इन दो गाथाओं में। दो चार विशेषण आगे पीछे लगे होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पढ़ो Yeah।
बात आ गई ना, दो ही बात कही है। पहली गाथा में ये कहा कि उनके सब कुछ प्रत्यक्ष है, और दूसरी गाथा में ये कहा कि उनके कुछ भी परोक्ष नहीं है। अभी पहली गाथा का अपन हिंदी पद्यानुवाद में देख रहे हैं कि दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति है उसके दूसरा पाद है ना, दो दो हिस्से हैं, दूसरे पाद को का क्या अर्थ है देखो जरा ध्यान से। केवली भगवान के, ये तो छोड़ दिया, हो गया ना, केवली भगवान के सब समझ में आ गया। सब द्रव्य गुण पर्याय युत, सब द्रव्य गुण पर्याय युत, दो तरह से पढ़ा जा सकता है इसे। कहाँ, एक तो सब द्रव्य गुण पर्याय युत और सब द्रव्य गुण पर्याय युत। तो ये दूसरी जो पहली दफे पढ़ा था ना कि सभी द्रव्य अपने अपने गुणों और अपनी अपनी पर्यायों, मान द्रव्य पर्याय गुण पर्याय, इन इन सब को है ना, सब द्रव्य कोमा गुण पर्याय युत, गुण और पर्यायों से सहित सभी द्रव्यों को प्रत्यक्ष जानते हैं। प्रत्यक्ष में एक अक्ष शब्द है, तो अक्ष शब्द का अर्थ आत्मा भी होता है और इंद्रियां भी होता है, और व्युत्पत्ति ऐसी होती है अक्षम अक्षम प्रति वर्तते तत्प्रत्यक्षम, जो अक्ष के प्रति वर्ते उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। तो आत्मा अर्थ लगाएं तो अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष हो जाएगा, और इंद्रियां अर्थ लगाएं तो व्यवहारिक सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष हो जाएगा। इस तरह से दोनों ही अर्थ इसमें घटित हो जाते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि सभी प्रत्यक्ष हैं। अब जो परोक्ष ज्ञान होता है उसके 300 मति ज्ञान है ना, तो कितने 300 भेद है ना, कितने 336 भेद गिनाए हैं, उनमें अवग्रह है, ईहा है, हवा है, धारणा है, तो ये क्रम से होते हैं। पहले दर्शनोपयोग होगा, फिर अवग्रह होगा, फिर ईहा होगा, फिर अवाय होगा, फिर धारणा होगी, फिर वो स्मृति में चला जाएगा, फिर प्रतिविज्ञान में चला जाएगा, फिर अनुमान में चला जाएगा, और अंत में आगम में चला जाएगा। ये सब एक क्रमिक है। कोई भी पदार्थ को जानने का उसका जो तरीका है वो इस तरह क्रमिक विकास होता है। और केवली भगवान को वो ऐसी कमजोरी है नहीं कि वो क्रमिक जाने। अभी अपने को जो होता है ना कि कुछ चीजें याद रहती हैं और कुछ चीजें याद नहीं रहती हैं, कुछ चीजें थोड़ी देर याद रहती हैं और कुछ चीजें बहुत समय याद रहती हैं, और ये सब ऑटोमेटिक होता रहता है। ऐसा नहीं कि आपने कोई चुनाव किया है कि ये मुझे याद रखना है, ये नहीं रखना है, ये मुझे भूलना है, ऐसा भी विवेक करके कुछ कभी कोई विवेकी जन कहीं करते होंगे, लेकिन सर्वत्र लोग ऐसा नहीं करते हैं। ऑटोमेटिक तरीके से जो याद रह गया वो रह गया, और जो नहीं रहा वो नहीं रहा। वास्तव में इस ज्ञान की प्रक्रिया को रुचि से जो प्रभावित होती है, जैसी हमारी रुचि होती है वैसी होती है। जैसे कोई पदार्थ को पर सबसे पहले दर्शनोपयोग होता है ना, तो कुछ है ऐसा मालूम पड़ता है, फिर उसमें कि कुछ ठंडा ठंडा सा है, कि मुलायम मुलायम कोई चीज पैर के नीचे आई ना दबी, तो फिर उसके बारे में विशेष जानने की जिज्ञासा होती है, और फिर उसे विशेष जानने का प्रयत्न शुरू होता है। अवग्रह से जाने हुए पदार्थ में विशेष जानने का जो प्रयास है वो है ईहा। तो बीच में संशय आता है, उसमें संशय आता है, तब तो मैं जानू है क्या, फिर अवाय माने पक्का निर्णय हो जाता है, फिर वो बात थोड़ी देर तक
अपने चित्त में रहती है तो वो धारणा में चली जाती है। माने अपने वो कंप्यूटर का कहते ना सेव कर लो, तो ऐसा ही वो आत्मा ज्ञान में सेव हो जाता है। तो फिर कालांतर में याद आती है, कालांतर में भी कोई चीज आती है, कोई नहीं आती, कोई लंबे समय तक भी आती रहती है। तो जितनी पक्की धारणा होती है, जितनी गहरी धारणा होती है, वो उसके अनुपात में उसका काल और ये सब बातें होती हैं। तो इस इतनी सारी प्रक्रिया से गुजरते हैं। फिर पांच इंद्रियां और मन, फिर किनको जानते हैं, तो उन्होंने कहा पदार्थों को, अर्थ से। तो पदार्थों को जानते हैं तो पदार्थ क्या है, तो पदार्थ एक है, अनेक हैं, बहु हैं, बहुविध हैं, एक विध हैं, वो सब जो बताए हैं क्षिप्र जल्दी जल्दी जानना, नहीं धीरे धीरे जानना, अनिश्चित पूरा निकला है तब जानना, अनिश्चित नहीं निकले हुए को जानना, निश्चित पूरा निकल जाए तब जानना, इतनी सारी प्रक्रियाएं उस परोक्ष ज्ञान में होती हैं। अब जो मैं ये कहता हूं ना, अपन लोगों को हर एक को ऐसा है कि कुछ चीजें याद रहती हैं और कुछ नहीं रहती हैं। तो क्या होता है कि वो अवग्रह होके रह जाता है, उसके बाद में ईहा नहीं होता, माने उसे विशेष जानने का प्रयत्न नहीं होता। ईहा नहीं होता तो अभाय नहीं होता, अभाय नहीं होता तो धारणा नहीं होती, धारणा नहीं होती तो स्मृति कहां से आएगी। तो हम कहते नहीं पहचानते हैं याद, आप कहते हो गए हम अपन वहां मिले थे ना रेल में, फिर वो याद दिलाते हो वहां ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, हैं? आपकी फला चीज खो गई थी तो आपने खोजी थी, तो मैंने भी खोजने में सहयोग किया था, तो अभी वो कहता मुझे कुछ याद नहीं आ रही। होता ना ऐसा, तो कई हाँ अच्छा अच्छा आ जाती है याद। तो क्या होता है कि वो आदमी उसको धारणा में नहीं लेता। वो धारणा में क्यों लेता है, हम हर एक चीज का निर्णय तो करते नहीं है, जिसमें हमारी रुचि होती है तो उसमें हम सारा निर्णय करने की कोशिश करते हैं। मान लो कि आदि हमारा एक व्यक्ति विशेष में रुचि हुई तो फिर उसका नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है, वो किस एरिए का है, कहाँ का रहता है, कौन सी जाति है, कैसा है, पढ़ने में होशियार है कि नहीं है, ये सारी बातें वो जानने की इच्छा होती है। तो उसमें वो आवाज धारणा वो सब उसमें बनते बनते और इतने अधिक काल तक उपयोग वहाँ टिकता है कि जिससे वो याद हो जाता है। अब एक आदमी की रुचि नहीं है बिल्कुल कि आप कौन सी जाति के हैं, अब हमें भी जानने में कोई रस ही नहीं है। जिसको एक जाति के हों तो ज्यादा राग करना है, और दूसरी जाति के हों तो कम राग करना है, तो जाति जानना जरूरी है ना, है ना? लेकिन वहां ऐसा कोई विकल्प ही नहीं है, तो वो जाति नहीं जानने की कोशिश करता है। नाम भी वो आप बता भी दो तो उसमें धारणा में नहीं लेता, समझ लो ऑटोमेटिक जाता ही नहीं, वो प्रक्रिया बनी हुई रुचि रुचि की। अब ये हमारे आत्मा की बातों के बारे में भी ये सारी जिंदगी वो सुनते रहते हैं ना माताएं बहनें, और वो कुछ पता नहीं होता है, ना शब्द याद होते हैं, ना जब जो सुन लिया तो सुन लिया, अब उतने ही शब्दों को हमने 100 दफे बोला फिर भी क्या याद क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उनने अवग्रह के आगे बड़े बड़े ही नहीं या कभी किए ही नहीं, आज क्या कहा था ये प्रयत्न ही नहीं किया, घर जाने के बाद ये बात सोची ही नहीं। यहाँ तो ये कह रहे केवली भगवान को इन प्रक्रियाओं में से नहीं गुजरना पड़ता किसी पदार्थ को जानने के लिए, और उसको जानते रहने के लिए भी स्मृति में धारणा में रखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये सारी प्रक्रिया जो आपने पढ़ी तत्वा सूत्र में मति ज्ञान की श्रुति ज्ञान की, वो सारी प्रक्रियाएं वहां नहीं है, क्योंकि उनका ज्ञान परोक्ष नहीं है। उन्हें तो सारा पदार्थ चाहे पास का चाहे दूर का, अपने ज्ञान में क्या डिफेक्ट है कि यहाँ पास से देखो
तो अच्छा दिखता है, दूर से देखो तो उतना अच्छा नहीं दिखता है। ये जो पेड़ है पर्वतों पे, और वहाँ बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, और अपने यहाँ से देखते हैं और अपन को ऐसा गमला जैसे में रखा हुआ है तो पौधा जैसा दिखता है। विवेक तो कहता है कि नहीं कितना बड़ा है ये, हैं? लेकिन यहाँ से आँख से देखो तो छोटा दिखता है, और जो जो और दूर होता जाएगा और छोटा दिखता जाएगा, पास में आते जाएंगे तो और बड़ा, और एक एंगल ऐसा आएगा कि जहाँ जितना है उतना दिखेगा। तो उसे कहते हैं एडजस्ट करना। ये चश्मा भी क्या है, ये इसमें नंबर डालने का मतलब क्या है, वो एडजस्ट करते हैं। कोई वो दूरबीन होती है ना, तो अपन उसे आगे पीछे ऐसे बढ़ा के एडजस्ट करते हैं कि नहीं करते। तुम जो हमारे फोटो वोटो लेते हो उसमें भी एडजस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? एक पॉइंट पर एडजस्ट कर देते हैं तभी वो अच्छी आती है। तो ये एक उसको केवल ही भगवान को ये नहीं करना। यहाँ से सुमेर पर्वत भी उतना ही क्लियर साफ दिखता है, और सामने वाला पदार्थ भी वह वैसे ही साफ दिखता है। और सुमेर पर्वत के अंदर में वो जो सोना गड़ा है ना, मालूम है, वो सोना भी अंदर में उतना ही साफ दिखता है। इतना बड़ा सुमेर पर्वत उसके ऊपर है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी चीज की बाधा नहीं होती। तो उस ज्ञान का स्वरूप कैसा है ये बात बताने के लिए वे उन्हें प्रत्यक्ष जानते हैं ये बात कही। अब आपने कही मैं अभी बता दिया है प्रत्यक्ष है, हमारा ज्ञान परोक्ष है। अब इतना लंबा ज्ञानाधिकार में क्या चलाएगा चलाएंगे कि भाई वो तुमने ऐसे कह दिया, कितनी कितनी चीजें हैं, क्या क्या को जानना है। अभी मध्य ज्ञान सुद्धिमान में कितना प्रतिबंध हो जाएंगे जानने में, पर वहां कोई प्रतिबंध नहीं है। तो उस ज्ञान का स्वरूप हमारी समझ में नहीं आता है। तो कहते इतना कैसे जानेगा, इतना हम नहीं जान सकते, इतना तो उनको कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी दूर से भी दिख जाए, और कोई चीज बहुत बड़ी आड़ी आ जाए तो भी दिख जाए, ऐसा लगता है कि नहीं? तो ये हमारे तो ये रूमाल का आड़ आ जाए तो भी नहीं दिखता है, और उन्हें सुमेर पर्वत बीच में आड़ा आ जाए तो भी दिखाई देता है, कोई बाधा नहीं है। तो उस ज्ञान का स्वरूप अतीन्द्रिय ज्ञान क्या होता है ये विस्तार से बताएंगे। अब यहां से शुरू किया है उन्होंने, है ना, यहां से शुरू किया है कि केवली भगवान का जो ज्ञान है पर्याय में प्रकट, जिसको हम केवल ज्ञान कहते हैं, छायक ज्ञान कहते हैं, उसका ऐसा स्वभाव है कि उसमें दुनिया के लोकालोक के सभी पदार्थ एक साथ एकदम स्पष्ट जानने में आते हैं। कि ठीक है लोकाकाश तो आ जाए जानने में, लेकिन अलोकाकाश में तो जीव जाता ही नहीं है, तो वहां वो कैसे जान सकते हैं, है ना? तो अभी गाथाएं आएंगी आगे कि आत्मा सर्वगत है, और ये लोकालोक जो गेय है वो सब आत्मगत है। खासकर अलोकाकाश जो भी गेय है ना, वो किसी ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, और ज्ञान नाम का जो पदार्थ है माने जीव, वो अलोकाकाश में कभी जाता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ज्ञान को किसी को जानने के लिए उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। गेयों का भी एक स्वभाव है कि वे किसी ना किसी ज्ञान के विषय अवश्य बने, किसी ना किसी, क्यों, जो भी ज्ञान में ऐसा क्षेत्र समय अथवा छाय ज्ञान है कि सभी ज्ञानों के गेय बने, तो उनको गेय बनने में कोई तकलीफ ही नहीं है। तो भाई आप अपनी बात तो कुछ छिप नहीं सकती है। अब हम कहते हैं गवर्नमेंट को सब बताना पड़ता है, इनकम टैक्स है सब में, लेकिन तो हमारे पास कितने पैसे हैं, कितना सोना है, कितना चांदी है, ये सब गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड देना पड़ता है ना इनकम टैक्स में। हमारा तो कुछ छिपा रहा ही नहीं,
फिर तुम्हें क्या नुकसान है? अरे वो जो हमारी फाइल देखते हैं वो किसी को बताएंगे नहीं, हमसे कहते हैं कॉन्फिडेंशियल है और हम किसी की बात किसी को बताएंगे नहीं। अजय भाई कहते हैं कि नहीं कहते हैं? किसी को नहीं बताओगे, तुम देखोगे या नहीं, तुम कौन हो हमारे लिए? हमारे माँ को नहीं बताओगे, बाप को नहीं बताओगे, भाई को नहीं बताओगे, पत्नी को नहीं बताओगे, और तुम देखोगे तो संभव ही नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है। यानी कोई भी पदार्थ इस जगत में जाने बिना रह जाए ऐसा संभव ही नहीं है। और अभी आएगा गाथाओं में आएगी ये सब बात कि वे खुद के द्वारा जाने जाएं और पर के द्वारा जाने जाएं, ऐसा स्वभाव है। और खुद को जाने और पर को जाने, 47 शक्तियों में एक ऐसी शक्ति है जिसमें जिसमें ये चारों क्वालिटी पाई जाती हैं। क्या नाम है उसका मन? हाँ बोलो, सही बोल रहे हो, बोलो है? जो तुमने बोला था शब्द जो मैंने सुना था वो सही था, लेकिन फिर तुमको शंकाशील हो गए, तुम बोले नहीं उच्चारण से लेके। परिणाम में परिणाम कत्व शक्ति, उसका बस इतना ही काम, यही काम है कि खुद को जाने और दूसरे के द्वारा जाना जाए, और खुद जाने और दूसरे को जाने, खुद को जाने और दूसरे को जाने, और खुद को द्वारा जाना जाए और दूसरे के द्वारा जाना जाए, ये चारों क्वालिटी जिसमें हुए उस शक्ति का नाम है परिणाम में परिणाम कत्व शक्ति। तो वो केवल ज्ञान का स्वभाव बताएंगे यहाँ कि उसमें कैसी कैसी विशेषता है, क्योंकि जो जो शंकाएं हमें खड़ी होती हैं उन शंकाओं की वजह से हमारा उसका स्वरूप ही हमें सही नहीं मालूम। कि हमें जो हम आत्मा का ध्यान करेंगे, मोक्ष मार्ग में चलेंगे, और जो केवल ज्ञान हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? जैसे मान लीजिए कि बिल्कुल छोटा बच्चा है, वो सोने का अर्थ नहीं समझता है कि सोना बहुत महंगा होता है, उसके बाजार में कहीं भी पैसे मिल सकते हैं, उसे सब चीज़ मिल सकती है, समझ गया ना? तो वो सोने का मतलब नहीं समझता है, तो उसको कुछ नहीं। अब उसे जब धीरे धीरे बताएं कि सोना की ये शक्ति है, सोने का ये ताकत है, तो फिर वो सोने के प्रति उसे आकर्षण पैदा होगा ना। अगर केवल ज्ञान का स्वरूप ही मालूम नहीं है, और वो केवल ज्ञान हमारे पास आए कि हम तुम्हें आने के लिए तैयार हैं, तो शायद अपन उसे रिजेक्ट कर दें। मैंने उसका स्वरूप तो हमारे जानने में आना चाहिए ना। ये जो क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति की कमजोरी है वो तो इसी वजह से है। मुझे सचमुच बहुत आश्चर्य होता है तभी से कि जब ये सारे विद्वान भगवान को सर्वज्ञ मानते हैं और फिर वो सब कुछ नक्की नहीं मानते हैं, तो क्या क्या जानते हैं? जब वो सब जो जो हो गया वो जान लेते हैं, तो फिर भूतक के कहो उन्हें भविष्य के कैसे कह सकते हो? जो होने वाला है वो नहीं जाने यदि, तो उसके ज्ञान की क्या कीमत है? तो क्या पढ़ाया उनने, क्या पढ़ा, क्या समझ में आया है? होता क्या है, सचमुच ये समझ में आता है शांति जी कि सबको जानने की बात हो रही है, लेकिन उस वक्त एक ख्याल में नहीं आता है कि सबको जानने की हो रही है तो इसका सबका जानना होना नक्की होना चाहिए, और नक्की होना चाहिए तो किसने नक्की किया? तो अपने यहां कोई करता धरता है नहीं, तो उसका वो जो प्रतिफल है वो वहां तक उपयोग लंबा ही नहीं। न गुरु जी ने उधर को हमारे उपयोग को ले गए, न अपने आप हमारा उपयोग उधर को गया। आखिर उस छोकरे का दादा जिसने आपसे पूछा था कि भाई केवली भगवान सब कुछ जानते हैं, हैं? तो हमारे पुरुषार्थ का क्या रहा है? तो उसके ज्ञान में आई ना एक प्रश्न खड़ा हुआ ना, जब हमें मालूम पड़ेगा इसका स्वभाव तो हम पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमें ये मालूम पड़ेगा। देखो अपने पास डीजल की गाड़ी है तो वो आता है ना लोकसभा में,
डीजल 2 रुपया बढ़ गया, पेट्रोल 1 रुपया बढ़ा, तो हमारी समझ में नहीं आता है कि डीजल हमारी गाड़ी में जब हम पे असर आएगा, और अगर डीजल पे नहीं बढ़ा पेट्रोल पे बढ़ गया तो हमें थोड़ी हमें कोई खर्चा नहीं बढ़ेगा। यानी एक सेकंड में हम पर क्या इफेक्ट आएगा हम लोग में लगाते हैं ना, और उससे ही फिर हमारे सारे निर्णय होते हैं कि नहीं होते हैं। तो अभी तुमने इफेक्ट की सोची नहीं, जाने केवली भगवान जानेंगे और दुनिया जानने में आएगी, हमें क्या लेना देना। वो ऐसा सोचता है क्या कि उसे जानने का स्वभाव, अरे हमारा भी आत्मा का ज्ञान स्वभाव है ना। तो सच्ची बात तो यह कि हमें केवल ज्ञान प्राप्त करना है। क्यों करना है भैया? तो क्योंकि हमें तो नहीं चाहिए केवल ज्ञान, क्या करना है हमें? तुम्हें अनंत सुख चाहिए ना, या सुबह तो चाहिए, तो अनंत सुख चाहिए, तो केवल ज्ञान और अनंत सुख दोनों एक साथ ही मिलते हैं। अभी लड़का बता रहा था ना, रूप रस गंध स्पर्श, आपने आम मांगा, आम का रस मांगा तो गंध भी साथ में आती है ना, और स्पर्श भी साथ में आता है कि नहीं आता आम का है? तो ऐसे ही ये कहते हैं कि वो अनंत सुख और अनंत ज्ञान एक साथ में ही आएंगे, तो वो तुम्हारे तुम्हें तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे गले पड़ गया है? तो क्या होगा वो सोचना चाहिए ना। बहुत सी चीजें अपन कहते हैं ये किसी का स्वर्गवास हो गया तो उनको कहते कि इनको कहना नहीं, ये कहना कि उनकी तबीयत खराब है तो अपन चलते देखने चलते हैं, क्योंकि मैं बुढ़ा आदमी, मेरे चला फिरा नहीं जाता है, तुम मुझे काय को ले जाते हो, तुम जाओ देख आओ। वो जानता है कभी भी देखने जाते थे तबीयत खराब होने पर तो मुझे कभी नहीं ले जाते थे, मैं कहता था कि मुझे ले चलो तो कहते कि नहीं तुम कहाँ तकलीफ पाओगे, हम देख के आ जाते हैं ना, और अब की बार कहते चलो देखने चलो। उसे शंका होती है कि क्या बात है कि बताते क्यों नहीं हो, बताओ ना क्या हुआ। नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर वहीं बताएंगे, वहीं वहाँ जा कर के वहाँ फिर बताते करते कि नहीं करते। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अज्ञान में सुख है, नहीं बताया तो वो सुखी रहा, बता देते तो दुखी हो जाता। इतना बढ़िया निष्कर्ष निकाल लिया हमने, इसलिए नहीं जानना नहीं, ज्ञान महान हो, अज्ञान महान हो गया। बीमारी का है तो मैं उसको नहीं बताना, मरीज को, मरीज के माँ बाप को बताना। अब अभी नया सिद्धांत निकला है अमेरिका वालों का कि उसको ही बताना और घर वालों को नहीं बताना, पत्नी को नहीं बताना पति की बीमारी, पत्नी की बीमारी पति को नहीं बताना। अब आप सोचोगे इसमें क्या अकल है, और उसे बताना, यदि वो कहे तो बताना। वहां क्या है कि यदि पत्नी को पता चले कि मेरे पति को कैंसर है तो उसी दिन छोड़ के भाग जाएगी, ऐसा नहीं कि वो इलाज कराएगी कि उसकी सेवा करेगी। तो वो पति चाहता है इसे पता ही नहीं चले तो कम से कम जितने दिन रहेगी सेवा तो करेगी, क्यों कोई आने वाला नहीं सेवा करने वाला है? ऐसे ही उल्टा भी है, पति भी छोड़ देगा वो पत्नी को बेचारी को, तो पत्नी नहीं कहती कि नहीं बताना मेरे पति को, वो डॉक्टर से कहता, डॉक्टर से वो कहेगा हाँ बता दो उन्हें, क्योंकि कभी कभी जरूरत पड़ती है ना तब बताते। अपने देश में ऐसा नहीं है, ऐसा डर नहीं है बता देने का, उल्टा ये है कि बहुत दुखी हो जाएगा, आकुलित हो जाएगा। तो ये केवल आपको ये केवल ज्ञान से इन बातों का क्या संबंध है? यही संबंध है ना कि एक दफे कोई भी चीज हमसे छिपी नहीं रहे तो उसका क्या इफेक्ट होगा हमारे जीवन पर। अभी उसके बारे में हमने जाना ही नहीं है, सोचा ही नहीं है, और हम कभी ईमान करके बैठे हैं कि ऐसा जान लेंगे तो ऐसा नुकसान हो जाएगा, ये जान लेंगे तो ऐसा नुकसान होगा, इसलिए जानना नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि उसको कैंसर है, ये मरीज को तो जानना ही चाहिए, उसको तो इसके लिए अपने मानस को तैयार करना है, इसमें भयंकर दर्द होगा, आज तो इतना है, कल इससे चौकना होगा,
परसों उससे चौकना होगा, है ना, और मरते दम तक जाकर वो सब बताना चाहिए, वो कहते हैं, क्योंकि भोगना तो इसे है, एक दिन तुम नहीं करोगे तो आगे तकलीफ तो फिर इसको ही होगी ना, ये मान्यता हो गई। तो ये अपनी, हम अपनी खुद बात कह रहे हैं कि हम तो 14-15 वर्ष की उम्र से, शायद 15-16 वर्ष की उम्र में न्यायाधीश किया होगा, सर्वज्ञता के पक्के मानने वाले थे, सर्वज्ञता पर घंटों बोले हिंदी में संस्कृत में भाषण दे में बढ़िया से बढ़िया एकदम है, और हमको ये नहीं आया। तो जितने दिन हमारे बेकार गए ना, देखो हम पढ़े जिन विद्यालयों में जो पढ़ाई कैसी होती थी और अपने विद्यालय में पढ़ाई कैसी होती है, ये दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। वो बुद्धिपूर्वक है, वैसे नहीं है, सोच समझ के किया गया है कि हम ना गुरु जी से पूछते थे कि इसका अर्थ क्या है, तो वो कहते थे ऐसा लिख देना, और वो क्या लिख देना परीक्षा में आवे तो ये बताते थे, वो जो हमारी शंका है उसका समाधान नहीं करते थे। ये नोट्स बना दिया है 2 पेज की, इसे रट लो और ये लिख, सर्वज्ञ सिद्धि के बारे में ये लिख देना। हम कहें वो सर्वज्ञ क्या जानता है, हम कह रहे ना ये लिख देना। अभी आपके कॉलेजों में ऐसा होता होगा, यहाँ आप हम लोगों से पूछते हो तो हम उस बात को समझाने की कोशिश करते हैं, क्रमबद्ध पर्याय में ऐसा लिख देना, ऐसा नहीं कहते हैं। क्रमबद्ध पर्याय क्यों सही है ये समझाने की हर आदमी, माने हर अध्यापक, हर चर्चा करने वाला आपको समाधान करने की कोशिश करेगा। भाई आलू क्यों नहीं खाना, लिख देना कि अनंत जीव होते हैं उसमें, है ना, वो ये लिख देना कि ये लिख देना क्या, हम 13 पंथी परिवार में पैदा हुए थे और जहाँ पढ़ने गए वो 20 पंथी था, जैसे तुमको संकट है ना, आए तुम संकट में, ऐसे हम भी संकट में ही गए थे, अगर तुम इस संकट में आ गए तुम्हारा परिवार सब मुनि हो गए थे, इसका विरोधी है और तुम यहाँ आगे फंस गए, रुचि से आए हो समझना है, तो हमारे सब 13 पंथी बनने हमें मिलते थे, तो हम उनसे पूछते थे कि हमारे पंडित जी गुरु जी ऐसा कहते हैं तो इसमें है क्या सत्य, तो वे सब कहते चुपचाप शांति से पढ़ लो फिर ये बाद में सोचना, अभी तो जो वैसा कहते हैं वैसा मान लो, बस सब सब के नाम के नाम सब ऐसा बोलते थे, कोई उसका हमें समाधान दे दें फिर हम क्या कर लेंगे, फिर वो समझाना हो तो वो भी समझा दें कि तुम झगड़े में मन नहीं पड़ो, वो बात अलग है मेरे मतलब कहने का, लेकिन तुम समझो ही नहीं, समझने की कोशिश ही नहीं करो, हैं? तुम्हें भी तो ये है ना कि तुम जाओगे हमको ऐसा ऐसा बताया सब कुछ नक्की होता है, और जो तुम्हारे गुरु जी हों कोई भी हों महाराज जी हों तो उनसे पूछो कि मुझे ऐसा ऐसा बताते हैं ये बात क्या है इसमें, तो नहीं नहीं तुम तो चुपचाप पड़ जाओ अभी रह के और बाद में फिर देख लें, अपन तो ऐसा है ना, अपन तो 20 पंथी है ना, अपन तो ऐसे है ना, अपन अरे अपन क्या है ये निर्णय तो हम करेंगे, तुम ये बताओ ना कि वो बात यदि गलत है तो क्यों गलत है, वो सही है तो क्यों सही है, समझे, पढ़ाने का 2 अंतर, पढ़ाई का उत्तर तो आपको तब कहलाई ना, वो पढ़ाई तो वो है, परीक्षा में पास होना पढ़ाई नहीं है, वो तो एक क्रम है, भाई अगली क्लास में जाना हो तो कुछ ना कुछ एक व्यवस्था बनानी है, वो बहुत छोटी चीज है। आप लोगों ने किसी ने हिंदुस्तान में विदेश में हमसे आज तक ये नहीं पूछा कि तुम कौन सी डिवीजन में पास हुए थे, किसी ने सर्टिफिकेट नहीं देखा आज तक, है कि नहीं है, कुछ मुझ पास मार्क्स हैं कि नहीं है, सब ऐसा ही सितारा चल रहा है, क्यों पूछे, हम तो गवर्नमेंट सर्विस कर आए, उसने उन्होंने भी हमारा सर्टिफिकेट नहीं देखा,
अब कैसी कहानी है मैं सुनाना नहीं चाहता, लेकिन मतलब यह है कि कोई पूछता ही नहीं है, अपना जो ज्ञान है, अपन जो बोल रहे हैं, अपनी जो क्षमता और योग्यता है वो अपने आप बोलती है। जब अपने आप बोलती है तो कोई किसी को पूछने का विकल्प नहीं आता कि क्या पूछना है कि तुम कौन सी डिग्री है तुम्हारे पास। जब हम यहाँ आए थे पहले, जब शायद एक आधा मैंने कहा है, तो यहाँ 8-10 न्यायाधीश थे, हम भी न्यायाधीश थे, तो गौरव के साथ अपने कोई न्यायाधीश समझते थे, लिखते थे, भवन लाल न्यायाधीश, गोभी सिंह वाले, स्वर ज्ञानी चंद न्यायाधीश, फलाने सब न्यायाधीश, कस्तूचंद काशरीवाल न्यायाधीश, अनूप चंद न्यायाधीश, ये सब न्यायाधीश थे, क्योंकि चंद्रदास जी न्यायाधीश थे तो सबको न्यायाधीश करा देते थे, सबके पास डिग्रियाँ थी और सब जाकर धंधे में करने लग गए थे अपने, कोई ने अपने कपड़े की दुकान खोल ली, कोई ने ये कर लिया, कोई ने ये कर लिया, और 8-10 साल 15 साल में सब भूल गए थे, कुछ नहीं आता था उनको। क्या हम भी आए न्यायाधीश, हम तो निरंतर इसी में रहे थे, काल में प्रथम पैठन में ही, तो डिग्री तो दोनों के पास एक थी, लेकिन योग्यता में कितना अंतर हो गया था है? और उनके साथ न्याय नाम के साथ ही न्यायाधीश लगता था, सब लोग ऐसा बोलते थे न्यायाधीश जी, हमलाल जी को न्यायाधीश जी ऐसा करके बोलते थे। तो एक दफे मैंने ये बात प्रवचन में कह कि क्या सब एक से न्यायाधीश, क्या न्यायाधीश थे जो कुछ बड़ा था विद्यार्थी अवस्था में कैसी पढ़ाई होती है हम वो जानते हैं, और सब वो भी भूल भाल गए, अब अकेली डिग्री डिग्री रह गई हाथ में, और दिन जिंदगी भर डिग्री चलती है। तो थोड़ा सा एक संत आया था, जाना कुछ नहीं हुआ। एक बात और मैं बताऊं ऐसी मार्मिक, पहले के मुझे बुजुर्ग लोग को एक शिकायत रहती थी, अरे कुछ नहीं आज की पढ़ाई में कुछ नहीं है, तो हमारे जमाने में पढ़ाई देखो कितनी अच्छी होती थी, हम पुराने मैट्रिक पास हैं, आज के एमए हमारी बराबरी नहीं कर सकते, एक एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है, लाओ बुलाओ फलाने को। मैं कहता था भाई साहब अकेले आप मैट्रिक नहीं हो, मैट्रिक के बाद तो 40 साल तक तुमने वो जो काम किया है वो अनुभव भी उसमें जुड़ गया है, मैट्रिक प्लस 40 साल का अनुभव है, और वो अकेला अभी एमए करके आया है, तो काल में संस्कृत में उसने एमए करी, और तुम कह रहे हैं हमारी जैसी बराबर इंग्लिश नहीं है उसकी, वो तो जब इंग्लिश की जो परीक्षा दी होगी का 10वीं 8वीं में, उसके बाद सब्जेक्ट उसने संस्कृत ले लिया, तो संस्कृत में पढ़ कर सारी मेहनत करी है, अब वो उससे तुम अंग्रेजी वाले से मिलाओ तो कैसे मिलेगा, हाथी के बच्चे से मेंढक की तुलना नहीं होती है, और सब बुढ़े ऐसी कहते थे कुछ नहीं है कुछ नहीं है। और मैं आपसे कहता हूँ पढ़ाई कुछ नहीं है, देखो आज की पढ़ाई का कितना कमाल हुआ विज्ञान का, और उसमें भी हम जैसे लोग भी बिना पढ़े जैसे हो गए, टीवी है ना टीवी, हम समाचार सुनते हैं कुछ देखते हैं, तो वो जरा सी गड़बड़ होती है तो राजेंद्र को बुलाना पड़ता है कि भैया जरा तुम इसे चला दे, हम नहीं चलाते तो उसे चला ही नहीं सकते, अरे ये निकाल के टेलीफोन है तो बस एक दबे तक कर लिया, बस वहां कुछ कर ही नहीं सकते, सब है बढ़िया से बढ़िया जो करके 50,000 का लाके दे दिया है बच्चों ने, लेकिन क्या करें हम तो कुछ कर नहीं सकते उसका, लोग देखते होंगे कि इनके पास अच्छा बढ़िया हमारे लिए क्या, तो अब मालूम पड़ता कितनी अच्छी पढ़ाई है, वे बच्चे उन्हीं में से पढ़ के आए ना, वहीं से सीख के आए ना, कहीं ना कहीं एजुकेशन है, तो बोलो आज की पढ़ाई अच्छी है क्या पहले की पढ़ाई अच्छी थी, लेकिन बस एक आदत थी, विवेक से निर्णय नहीं करते थे कोई भी,
जो जिस लेन में रहेगा वो उस लेन का विशेषज्ञ बनेगा। हमको सर्वज्ञ सिद्धि पड़ी हम ना, कि जिंदगी में सर्वज्ञ सिद्धि का अर्थ में समझना पड़ेगा कि प्रचन सार का मुझसे कहा था लोगों ने एक क्यों ले रहे हो फलाना दूसरा ले लो, फिर ये भी कहा था आप 130 गाथाएं पढ़ा चुके थे अब उसके आगे लो, ये शांति जी ने कहा था। मैंने कहा मुझे तो सर्वज्ञ सिद्धि पढ़ानी है, मुझे तो ज्ञानाधिकार पढ़ाना है, मुझे तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में सुखाधिकार पढ़ाने हैं, इसलिए मैं वहां मदृषि को पढ़ाऊंगा। क्या समझे? मैंने सर्वज्ञ का अर्थ क्या है? अब अपन कहते हैं इसमें है क्या है? इतने लिखा केवली भगवान के ज्ञान में सब कुछ ज्ञात होता है प्रत्यक्ष, और उनके ज्ञान में परोक्ष कुछ भी नहीं है। ये पढ़ा रहे सारनाथ के साम। अब हम नहीं जानते हैं जी, और इस गाथा पर नींद रहे, इस गाथा में क्या है अद्वित प्रसाद जी हमें मालूम है, लेकिन इसमें से गुरुदेव ने वो संबंध बजाया निकाली है। एक बात आया होगा कहीं कि हर पर्याय का अपना जन्म क्षण होता है। गुरुदेव ने जन्म क्षण जन्म क्षण जन्म क्षण होता है माने उसका जन्म किस क्षण में होगा ये नक्की होता है, ये अर्थ उनने निकाला, और उसमें क्रमबद्ध बजाई की सिद्धि हो गई। जब मैंने पूरी क्रमबद्ध बजाई किताब लिख ली तो गुरुदेव ने कहा कि बंदे जी धरा 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 क्या वो जन्म क्षण की बात नहीं आई। तो मैंने कहा अगर सब तो आ गया नहीं जन्म क्षण की बात है। वो उनको जन्म क्षण कैसा अंदर से बैठा ऐसा लगता है क्या निकाला, कुछ निकाला तो है ही नहीं इसमें क्या था, लेकिन वास्तव में जब वो उसका रस परिपाक हो जो उसमें हो तब उसकी बात है। क्या पढ़ रहे हैं अपन? केवली भगवान के सब दिव्य गुण पर इसके टीका पढ़ेंगे। मूल अर्थ तो आ गया है लेकिन क्या तर्क और युक्तियां दी हैं उनने वो टीका में आएंगी वो पढ़ेंगे। आज का समय हो गया है 8:30, कल टीका पढ़ेंगे। हो गया ना 8:30?